हेलो फ्रेंड, वेलकम एंड बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज करने वाले हैं हम दिवाली के ऊपर फोटो एडिटिंग, जो कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। एंड इसमें हम जितना भी पीएनजी यूज करेंगे, सबका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से सब पीएनजी आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तब भी आप ऐसा एडिटिंग कर पाओगे। एक भी स्टेप मिस करोगे तो आप ऐसा एडिटिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो बैकग्राउंड है, हम ओपन कर लिए पहले पिक्सआर्ट में, ठीक है। जितना भी बैकग्राउंड एंड पेज यूज करेंगे, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये बैकग्राउंड को ओपन कर लेने के बाद पिक्सआर्ट में और दो PNG हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो PNG ऐड करने के लिए आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है, ओके। सो गाइस, एक ये वाला PNG है और एक ये वाला PNG है, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड कर लेने के बाद गाइस, इसको कुछ स्टेप से ऐसे बड़ा कर लेना है, और बड़ा कर लेने के बाद फिर आपको ये वाला PNG लेना है, और इसको लेके पहले इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको मूव डाउन कर लेना है, ठीक है। और डाउन कर लेने के बाद इसको भी कुछ स्टेप से यहाँ पर ऐसे लगा लेना है, ये बिल्डिंग वाला PNG को। तो इसको भी हम लगा लेते हैं कुछ इस टाइप से। एंड गाइस, इसको भी लगा लेने के बाद फिर डन कर लेंगे, ओके। एंड गाइस, डन कर लेने के बाद फिर हम एक दीपावली टेक्स्ट वाला PNG ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं, और इसको ऐड कर लेने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पर ऐसे लगा देंगे ऐसे इसको, ओके। और इसको ऐसे लगा लेने के बाद अब क्या करेंगे, अपना एक फोटो ऐड करेंगे, ठीक है। तो अपने फोटो को हम ऐड कर लेते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा फोटो। इसको मैंने गाइस पहले ही से कटआउट किया हुआ है। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है, या फिर फोटो को कटआउट करना नहीं आता है, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है कि कैसे आप फोटो को कटआउट कर सकते हो, या फिर बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हो। तो वो वीडियो देख लेना, आपको भी रिमूव करना आ जाएगा बैकग्राउंड। तो गाइस, इसको रिमूव कर लेने के बाद कुछ स्टेप्स ऐसे लगा लेना है, ठीक है। ऐसे लगा लेने के बाद इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसी का एक डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। और डुप्लीकेट बनाने के बाद कुछ स्टेप्स आपको उल्टा कर लेना है इसको, ओके। एंड उल्टा कर लेने के बाद फिर आपको फ्लिप रोलेट पे क्लिक करना है, एंड इसको घुमा लेना है। और फिर घुमा लेने के बाद गाइस, आपको कुछ इस टाइप से ऐसे बड़ा करके इसका शेडो बनाना है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से बनाना है शेडो। सो गाइस, इसके नीचे ही कुछ इस टाइप से कर लेना आपको, और फिर इसकी ओपिसिटी को कम कर लेना है, ठीक है। तो इसकी ओपिसिटी को हम कम कर लेते हैं, इसकी ओपिसिटी को हम कर लेते हैं करीब 27 के अराउंड, एंड फिर डन कर लेंगे। सो गाइस, डन कर लेने के बाद अब हम ऐड करेंगे फायर वाला PNG, ठीक है। तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं ऐड फोटो पे क्लिक करके। इसमें गाइस सिर्फ PNG का ही खेल है, सब PNG सब लगाना है। और इसको भी ऐड कर लेने के बाद क्या करेंगे, इसके ब्लेंड मोड पे जाएंगे और फिर स्क्रीन कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीन कर लेने के बाद कुछ इस टाइप से बड़ा कर लेंगे इसको, और इधर पे लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। और फिर इसी का एक डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के लिए इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और डुप्लीकेट बना लेने के बाद इसको उल्टा करेंगे, घुमाकर इसको इस टाइप इधर लगा देंगे, ओके। एंड लगा लेने के बाद फिर डन कर लेंगे। सो फ्रेंड, डन कर लेने के बाद अब हम ऐड करने वाले हैं पड़ाका वाला PNG। तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं, जो आसमान में फूटता है। तो ये रहा हमारा दोनों PNG, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। एंड इसको ऐड करने के बाद इसके ब्लेंड मोड पे जाएंगे और इसको स्क्रीन कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीन कर लेंगे तो इसका ब्लैक वाला जो बैकग्राउंड है हट जाएगा। एंड इधर एक लगा लेते हैं, और इसी का एक डुप्लीकेट बनाते हैं गाइज, और फिर एक इधर लगा लेते हैं, ओके। एंड फिर इस वाला पड़ा के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड इसके भी ब्लेंड मोड पे जाएंगे और इसको भी स्क्रीन कर लेंगे, ठीक है। और स्क्रीन कर लेने के बाद इसको भी कुछ स्टेप से यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे। एंड गाइज, लगा लेने के बाद फिर डन कर लेंगे। तो गाइज, यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो बिफोर कैसा था, एडाप्टर बहुत सारा ऑप्शन जो है आ गया है, लगा दिए हैं। अब लगाएंगे एक छुरछुरी वाला पड़ाका, ठीक है। तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो गाइज, ये रहा। एंड एक एक ठो इधर लगाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। और इसी का एक डुप्लीकेट बनाएंगे, ठीक है। और डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको रोलेट करेंगे, घुमा देंगे, ठीक है। और एक इधर लगा देंगे, ओके, इधर पे ऐसे। और गाइज, लगा लेने के बाद इसमें एक फायर वाला PNG ऐड करेंगे, ताकि ये दिखने में असली जैसा लगे, ओके। तो कहाँ है फायर वाला PNG, ये रहा, इसको भी ऐड कर लेते हैं। सो फ्रेंड, इसको भी ऐड कर लेने के बाद इसके ब्लेंड मोड पे हम लोग जाएंगे और इसको स्क्रीन कर लेंगे, ठीक है। और स्क्रीन कर लेने के बाद इसको कुछ स्टेप से इसके नीचे लगाएंगे ऐसे, ठीक है। और फिर इसी का एक डुप्लीकेट बनाएंगे, और गाइज, उसको कुछ स्टेप से यहाँ पर लगा देंगे, ये वाला पड़ा के ऊपर, ठीक है। एंड फिर डन कर लेंगे। तो
तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमारा जो फोटो है काफ़ी मस्त एडिटिंग हो गया है। अब एक और PNG हमको ऐड करना है, वो है दीपावली वाला टेक्स्ट PNG। तो उसको ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, पिक्सआर्ट ऐप में ही वो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक स्टिकर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टिकर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड फिर आपको अपने मोबाइल के डाटा को ऑन कर लेना है, ओके। एंड फिर यहाँ पर आपको सर्च करना है दीपावली टेक्स्ट, ठीक है। दिवाली टेक्स्ट जैसे आप लोग सर्च करोगे तो बहुत सारा आपको दिवाली वाला टेक्स्ट मिल जाएगा, तो आप लोग कोई भी लगा सकते हो। तो हम ये वाला लगा लेते हैं और इसको लगा लेने के बाद इसको कुछ इस टाइप से इधर पे ऐसे लगा लेंगे, ओके, इधर पे ऊपर, और फिर डन कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो हमारी फोटो है पूरा अच्छी तरह से एडिटिंग हो चुकी है दीपावली वाली। इसको सेव करने के लिए गैलरी में आपको इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आई होप गाइस कि आपको ये एडिटिंग पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एडिटिंग अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि ये एडिटिंग कैसी लगी। एंड गाइस बाकी आप लोग हमको इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करे हो तो इंस्टाग्राम का आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, एंड लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।